प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नासिक में एक रैली को संबोधित कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। पीएम ने यहां महाजनादेश यात्रा की समापन रैली को संबोधित किया, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया था। बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में गुरुवार यानी कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी। पहली बार देश के रक्षा मंत्री ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। तेजस एक स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे 3 साल पहले ही वायुसेना में शामिल किया गया था। तेजस ने पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी थी। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच एनआरसी के मुद्दे पर बातचीत हुई। ममता ने चिट्ठी सौंपते हुए कहा कि असम में जो लोग एनआरसी लिस्ट से छूटे हुए हैं, उन्हें मौका दिया जाए, एनआरसी पर भारतीयों को परेशान ना किया जाए। वहीं अमित शाह ने कहा कि मामले को देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 2.5 साल पूरा हो गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 30 महीने में एक टीम की तरह काम किया है, साथ ही उन्होंने सरकार की भविष्य की योजनाओं का भी खुलासा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन में 50,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों का हाउडी मोदी कार्यक्रम में संबोधित करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाउडी मोदी के बहाने सरकार पर निशाना साध रही है। पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा और अब कपिल सिब्बल ने भी इस पर ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, हाउडी इकोनॉमी राउडी राजनीति। ट्रैफिक नियम संशोधन अधिनियम के कई प्रावधानों के खिलाफ गुरुवार को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों के लिए मेट्रो की सेवा उपलब्ध रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक्ट के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को कमजोर करने के 2 जजों की पीठ के फैसले पर सवाल उठाया है और केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या संविधान की भावना के खिलाफ कोई फैसला सुनाया जा सकता है। मुंबई के बाद चेन्नई में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। देर रात से चेन्नई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। चेन्नई के नुगमबक्कम में सुबह 5 बजे तक 74 mm बारिश हुई। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के चलते दिन भर भारी बारिश की भविष्यवाणी की। हालांकि चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले के स्कूलों में कोई छुट्टी नहीं है। 19 सितंबर 2008 की सुबह देश की राजधानी दिल्ली में जामीनगर इलाके के बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर को बीते आज 11 साल हो गए हैं, लेकिन इस पर सियासत आज भी गर्मा जाती है। इस एनकाउंटर को लेकर ईडी के पूर्व डायरेक्टर और बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर रहे करनैल सिंह ने पहली बार इस एनकाउंटर से जुड़े कई खुलासे किए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं। मोहाली में बुधवार को खेले गए दूसरे T20 मैच में कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 72 रनों की पारी खेल रोहित को पीछे कर खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का तमगा हासिल किया।